है जू में देख के हाथ। यह टाइगर शो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल से ही, और आज हम जा रहे हैं जू घूमने। और सबसे पहले जाएंगे हम ठाकुरबाड़ी, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर था, जहाँ वो पैदा हुए थे। तो देखते हैं वहाँ पे वो क्या क्या सीन होता है, कैसे कैसे रहता है, तो चलते हैं। बाकी आपको दिखाएंगे जू का सीन। दोस्तों, फाइनल हम पहुंच गए हैं ठाकुरबाड़ी। ये है आपका हाउस ऑफ टैगोर। तो हम अंदर चलते देखते हैं यहाँ पर। हेलो गाइस, हम आए थे ठाकुरबाड़ी देखने के लिए, और आज मंडे होने के कारण म्यूजियम आज बंद रहते सारे यहाँ पे। तो आज हमारा कट गया है पोपट, तो चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। सॉरी गाइस, इस बार हम आपको अंदर दिखा नहीं पाए। अंदर बहुत कुछ था, बहुत बढ़िया चीज़ देखने, बहुत मतलब बहुत एक्साइटेड थे हम कि हम अंदर को एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन आज बंद होने के कारण नहीं देख पाएंगे। तो देखते हैं कहाँ चलते हैं आज। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय तो दोस्तों, अफसोस इस बात का है कि आज म्यूजियम बंद है, हम अंदर नहीं जा पाए, अंदर का चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। तो अब ये ठाकुर फैमिली जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ये फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है। इन्होंने सरकार के हवाले ये पूरा म्यूजियम समर्पित कर दिया है। बाकी इनके वंशज हैं या नहीं है ये भी किसी को पता नहीं है। तो दोस्त, हमने भी नहीं देख पाया और आपको भी नहीं दिखा पाए, इस जगह देखते हैं कहाँ घूम पाते हम। तो चलो दोस्तों, बंगाल में एक सीन है कि हर मंडे को जितने भी म्यूजियम रहते हैं यहाँ पे, सारे म्यूजियम मंडे को ऑफ रहते हैं। तो जिसको भी म्यूजियम विजिट करना होगा, किसी भी म्यूजियम, चाहे वो विक्टोरिया हो, चाहे इंडियन हो, जितने भी छोटे या बड़े म्यूजियम होंगे, तो मंडे को कोई भी यहाँ पे विजिट करने ना आए, बिकॉज यहाँ पे मंडे को सारा चीज़ ऑफ रहता है। तो दोस्तों, अभी हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन ग्रीस पार्क, और ग्रीस पार्क से हम जाएंगे जू, जू देखने के लिए। तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और ब्लॉग बने रहे हैं, मज़ा आएगा। तो भाई, फाइनल मेट्रो से उतर गए हैं, अब चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको, बहुत गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, फाइनली मेट्रो से उतरने के बाद हम लोग चढ़ गए बस में, और हमने टिकट लिया और सीधे जू जाने का। बाहर बहुत बारिश लगी थी, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम सीधे पहुँच गए जू। दोस्तों, फाइनली पहुँच गए हम कोलकाता के चिड़ियाघर में। इसको अलीपुर प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, और ये 1876 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था, और ये लगभग 46.48 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर कैसे कैसे रहता है। हमने टिकट ले लिया, टिकट यहाँ पे मिलता है आपका 50 रुपये का, और यहाँ से अंदर चलते हैं घूमने के लिए। तो भाई, यहाँ देखेंगे आज हम एलिफेंट और टाइगर और चिंपैंजी, बाघ, जित जो भी चीज़ें दिखेंगे आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग में। मतलब हम घूमेंगे तो आप लोग भी घूमेंगे, सब कुछ दिखाते रहूँगा मैं आपको इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, ढेर सारा प्यार देना, शेयर करना दबा के, और बाघ की पुछड़ी पकड़ेंगे हम यहाँ। लोग अपने मतलब कर कैसे कैच करते हैं ना तो चीज़ों को, बंदर को, पक्षियों को।
वायलेट ले लें। ये चीज बढ़िया भाई, ये हैं ग्रे पैरोट और ये हैं वाइट पैरोट। इनके उसमें अंदर दिख रहा जाली में, इनके सिर में कलंक के टाइप की होती है देखो। तो भाई ये हैं बबुले, इतने लंबे लंबे चुचोले पहली बार देख रहा हूँ उनके सामने से। तो भाई आज देखने वाले हम बाघ, जो गढ़ वाले बाघ अलग हूँ, बाघ मार दे, लेकिन यहाँ बाघ नहीं मारते हैं, यहाँ बस देखते हैं, ओनली मजे से देखते हैं, बढ़िया सा। बाकी आप लोग को भी दिखाते रहेंगे। गाइस गाइस गाइस, ये हाथी है, पहली बार देख रहा हूँ मैं इतने सामने से, आज तक मैंने सामने से हाथी नहीं देखा था। देखो भाई क्या हाथी है, जू में देख के हाथी एक ही है, हाथी मेरे साथी। तो भाई मैंने हाथी को इतने पास से रियल लाइफ में पहली बार देखा, वो भी जू में। आप लोग भी देखो, ओ भाई साहब लॉयन, ओ भाई साहब, अभी इधर वो सो रखा वहाँ पे भाई की लॉयन। देखो ये है भाई वाइट मोर, वाइट पिकॉक देखो। तो भाई ये है आपका शुतुरमुर्ग, बहुत ही बड़े शुतुरमुर्ग के पास से भाई, देखो आप लोग भी भयंकर हैं। ये है भाई हिप्पो का बाड़ा, तो डू भी तो बहुत ही काट रहा तो बहुत ही काट रहे तो फिर काट बढ़ाते। हाँ यार ये है भाई पैरोट, ले। तो भाई अभी हमने बीच में ब्रेक लिया है और यहाँ पे मस्त आइसक्रीम खा रहे हैं हम सभी लोग, और बाकी चलते आगे आइसक्रीम। तो भाई ये है बंगाल फीमेल टाइगर, जो अंदर सो रही है। टाइगर सो रखा, आज किस्मत खराब है। तो दोस्तों आज का दिन थोड़ा बहुत ख़राब है हमारा, पहले हम टाइगर बाड़ी गए थे, वो भी हमें दिखाई नहीं, फिर हमें काफ़ी जानवर यहाँ पे हिप्पो वगैरह वगैरह बिल्कुल दिखने लगे, हल्के हल्के दिख रहे हैं बिल्कुल, स्पष्ट नहीं दिखा पा रहा आप लोग को, हमें नहीं दिख रहा था, आपको वहाँ दिखा। स्नेक पाइथन, ये है इसके अंदर, ये इसके खाने के लिए मुर्गे रखे हैं अंदर, अभी तो पेट भर रखा उसका दम। हाँ भाई यहाँ अंदर सांप ही सांप है देखो, ये सुने। तो भाई जो ये वाला हॉल है यहाँ अंदर पूरे सांपों की वैरायटी है, पूरे सांप आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, बहुत ही सारे सांप हैं। भाई ये हिरन का बाड़ा, और ये तो हमने सामने बहुत बार देखे अपने गाँव में, और ये कंगारू कछुआ। तो भाई ये है कछुआ, बहुत बड़ा कछुआ। तो ये भाई ये हैं जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा है। तो भाई ये है चिंपैंजी का बाड़ा, और यहाँ चिंपैंजी दिख नहीं रहे हमें, बंद कर रखे हैं, अंदर नहीं जाएगा घर के यार, उसको अंदर जाना है। भालू भालू भालू, असली असली। तो भाई ये है बारह सिंगा, ये देखो बारह सिंह। हाँ तो क्या हुआ, तो सिंह है, है तो है भाई। ये है भाई हंस, और मोर तो देख ही रखे मैंने, देख रखा है गर्दन में कितना रहता है। ये है भाई अपने मोर, वाव वाव भाई, यार ये तो अपने घूमते हैं यार, अपने घर वाले घूमते हैं। देखो ये यहाँ कैसे आ गए अपने घूमते। तो भाई ये है जिराफ, अंदर चले गए। हेलो दोस्तों, फाइनली हमने पूरा पार्क विजिट कर लिया, जो मेन मेन चीज़ वो हमने देख ली वो आपको भी दिखा दी है। तो अब पहुंच चुके हम फाइनली एग्जिट गेट के सामने। तो दोस्तों बहुत बहुत सही लगा यहाँ पर आके, बहुत मज़ा आया। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो व्लॉग, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब दोस्तों बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।